आपने हमेशा ये सुना होगा कि रवा की दो वेरायटी आती है, एक होती है ये एकदम फाइन वाली जो जनरली गोलगप्पों में यूज होती है या एक बाइंडिंग एजेंट की तरह यूज होती है। ये है रवा जो बहुत कॉमनली यूज होता है, इसको थिक रवा भी बोलते हैं। यही आपको उपमा में यूज करना है, सबसे कॉमनली आपको यही मिलता है। लेकिन जो ये लास्ट वाली वेरायटी है दोस्तों, ये दलिया से थोड़ा सा छोटा है लेकिन रवा से थोड़ा मोटा है, ये भी सूजी ही है और ये स्पेशल उपमा के लिए सूजी आती है। अगर आपको ये मिले तो इससे बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है, नहीं तो आप जो नॉर्मल रवा होता है मोटा वाला इसी का ही इस्तेमाल करना, ये सबसे कॉमन मिलता है। अब आप उपमा बनाने के लिए कोई भी कढ़ाई यूज़ कर सकते हो या नॉनस्टिक पैन भी यूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। मैंने यहाँ पर जानबूझ के एक हैवी बॉटम कढ़ाई का इस्तेमाल किया है, वो भी लोहे की। इसमें रिजल्ट दोस्तों मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया आता है। दोस्तों अगर आप नॉनस्टिक में बनाते हो तो डेफिनेटली वो चिपकेगा नहीं, नॉनस्टिक होगा, लेकिन लोहे की कढ़ाई या हैवी बॉटम कढ़ाई में जो फ्लेवर आता है, रोस्टिंग बहुत अच्छी होती है। लोहे की कढ़ाई या हैवी बॉटम कढ़ाई आप यूज कर पाओ तो ज्यादा बेटर रिजल्ट आएगा। इसके साथ साथ आपको एक ढक्कन भी चाहिए होगा, उसके बारे में मैं आपको एंड में बताऊंगा। फटाफट से पहले शुरू करते हैं सूजी को भुनने से। जनरली क्या होता है, जो आपने देखा होगा कि लोग सूजी को घी में भुनते हैं, हम भी घी में ही भुनेंगे, लेकिन सूजी में क्या होता है कि एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर बहुत वो एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि सूजी की आदत ही होती है पानी बहुत पीने की। तो अगर आप एकदम लो फ्लेम पर आराम आराम से पहले ड्राई रोस्ट करो सूजी को, तो आप बाद में आप खुद ही देखना इस रेसिपी में कि एक एक दाना खेल कर आता है। पहले पहले आप ड्राई रोस्ट करना जब तक सूजी का कलर हल्का चेंज नहीं हो जाता। अगर आपकी नाक बहुत बढ़िया है, खुशबुएं आपको अच्छी लगती है, तो सूजी की एक भीनी भीनी सी रोस्टेड वाली खुशबू भी आएगी, तब तक आपने पकाना है इसको। जब सूजी का कलर चेंज हो जाएगा फिर आप यहाँ पर 2 टेबलस्पून देसी घी डालना। दोस्तों मैंने यहाँ पर 2 कप सूजी के हिसाब से 2 टेबलस्पून देसी घी डाला है, तो प्रोपोर्शन आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। अब ये देखो धीरे धीरे रोस्ट कर करके सूजी बहुत अच्छे से भुन जाएगी। ये देखो कितना दाना अलग अलग हो रहा है। और अब घी में रोस्ट करने से सूजी क्या करती है कि घी को एब्जॉर्ब करती है। देखो घी एक हायर टेम्परेचर पर पक पाता है, हायर टेम्परेचर पर उसका स्मोक पॉइंट होता है, जिस वजह से ज्यादा रोस्टेड फ्लेवर आता है। खिली खिली बनेगा आपका उपमा, हलवे जैसा पेस्ट नहीं बनेगा। अच्छा ये तो हो गई सूजी रोस्ट करने की बात है। मैं इस बात को लेकर इतना शॉक्ड होता हूँ कि लोग बाजार में उपमा मिक्स खरीदते हैं। उपमा मिक्स में होता क्या है? कुछ भी नहीं होता दोस्तों। कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल के, थोड़ा सा ही घी डालना, आधा चम्मच के आसपास, और उसमें मस्टर्ड सीड्स ही यूज करते हैं। उसके साथ साथ थोड़ा सा कड़ी पत्ता, चना दाल और धुली उड़द दाल। इसको आप अभी रोस्ट कर लेना थोड़ा सा, हल्का सा कलर आने तक। ये देखो ये हल्का सा कलर आ गया ना, इस स्टेज तक आप इसको रोस्ट कर लेना आराम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना। और फिर आप यहाँ पर मूंगफली डाल देना और साथ साथ काजू डाल देना, और इन दोनों को भी हल्का सा कलर आने तक रोस्ट कर लेना। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर है और ये उपमा का बेस है पूरा फ्लेवर का। और बस आपने क्या करना है कि इसको सीधा निकाल कर सूजी जो हमने भुन के रखी थी उसमें मिला देना है, एंड दैट्स इट। ये आपका उपमा मिक्स पूरा रेडी है। इसको आप आराम से स्टोर करके रखो, खराब नहीं होने वाला। और जब मन करे इसे बनाने का, 5 मिनट में सब्जियां काट कर आप ऐसी सूजी बना दोगे। 5 मिनट में ही, पता ना आप फालतू में लेकर आ रहे थे, मुश्किल से थोड़ा सा काम करना था। और घर की बढ़िया घी या घर का बढ़िया तेल आप यूज करोगे। ये देखो मैं तो ऐसे ही स्टोर करके रखता हूँ, और जब भी बनाना हो तो क्या करना है कि कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालना है, प्याज डाल के हल्का सा इनको रोस्ट कर लेना है हल्का कलर चेंज होने तक। जैसे ही कलर चेंज हो जाए आप यहाँ पर अदरक डाल देना, फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है अदरक का, जरूर डालना आप। और जैसे ही प्याज अब ट्रांसलूसेंट हो जाए, देखो ट्रांसलूसेंट हो गए, अदरक भी भुन गई है, तो फिर फटाफट से आप यहाँ पर सब्जियाँ डाल देना। मैं सजेस्ट करूँगा कि थोड़ी लिक्विड वाली सब्जी मत डालना, जैसे कि टमाटर। यहाँ पर सूटेबल होंगे बीन्स, गाजर, और हाँ स्पाइसीनेस के लिए आप यहाँ पर हरी मिर्च डाल देना, लाल मिर्च पाउडर मत डाल देना, नहीं तो उपमा का कलर लाल हो जाएगा। और मटर तो बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। इनको थोड़ा सा रोस्ट करना है ताकि कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे। उपमा का सारा खेल ही रोस्ट करने में दोस्तों, अगर रोस्टिंग अच्छी होगी तो उपमा बहुत टेस्टी बनेगा। जैसे ही सब्जियाँ थोड़ी रोस्ट हो जाए आप अब यहाँ पर पानी डाल देना। मैं यहाँ पर 2 कप सूजी से बना रहा हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पर 6 कप पानी डाले हैं।
दो चम्मच मैंने नमक के डाले हैं, दो चम्मच मैंने काली मिर्च के डाले हैं, बस। फ्लेवर के लिए आप यहाँ पर हरी मिर्चें, करी पत्ता फ्रेश ज़रूर डालना। इस पानी का जो स्वाद है ना, वो बहुत इन्हेंस हो जाएगा। अब सब कुछ मिलाने के बाद मैंने वेट किया है कि पानी में आ जाए उबाला। जैसे ही उबाला आना शुरू होगा, फटाफट से आप यहाँ पर उपमा मिक्स निकालना और उसको कटोरी में बिल्कुल लेवल करके आराम से इसके अंदर डाल देना। टेंशन नहीं लेने की, बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं आएंगी। हमने रोस्ट ही इतना अच्छे से किया है कि गुठलियाँ आने का कोई सवाल ही नहीं है। और फटाफट से आप उपमा मिक्स डालने के बाद आप यहाँ पर गैस को मीडियम पे कर देना। मीडियम फ्लेम पर आराम आराम से सूजी थोड़ा फूलना शुरू होगी। जैसे ही दोस्तों को अच्छे से फूल जाए सूजी, फिर आपने यहाँ पर थोड़ा सा घी डालना है ऊपर से। बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपना उपमा खिला खिला चाहिए तो। इसको अच्छे से मिलाना और यहाँ पर ढक्कन लगा देना और फटाफट से गैस को बंद कर देना। अपनी ही स्टीम में जो सूजी है वो पानी भी अच्छे से पिएगी, अंदर से नरम भी हो जाएगी और आप खुद ही देखना बाद में खिली खिली भी निकल कर आएगी। उपमा का मतलब नमकीन हलवा नहीं होता, उपमा का मतलब ज़्यादा ये होता है खिले खिले सूजी के पुलाव। ये देखो आप दोस्तों, लग रहा है ना दोस्तों, एकदम अल्टीमेट उपमा बहुत बढ़िया बना है। अब अगर आप चाहते हो कि उपमा एकदम अलग अलग रहे, खिला खिला रहे, जो सूजी का दाना दाना है, तो आप एंड में यहाँ पर नींबू का रस जरूर डालना। मैंने यहाँ पर एक पूरा नींबू डाला है और जो खटाई होती है ना, वो स्टार्च को थोड़ा सा जुड़ने से रोकती है, उसकी एब्जॉर्प्शन की एबिलिटी को कम करती है, और इसलिए मैंने यहाँ पर एंड में डाला है। आप इसको अच्छे से मिलाना और आप देखो, आपको सूजी के छोटे छोटे दाने भी अच्छे से दिख रहे होंगे। एंड दैट्स इट दोस्तों, ये है उपमा की सारी बढ़िया बातें। लेकिन एक अभी इम्पोर्टेंट काम रह गया है। अभी उपमा तो बहुत बढ़िया बन चुका है, आप देखो अगर मैं कटोरी में इसको जैसे सर्व करते हैं वैसे करूँ तो बहुत बढ़िया से चिपक भी रहा है। चम्मच ऐसे चलाऊंगा तो उपमा बहुत बढ़िया कटता भी है। देखो कैसे डिसइंटीग्रेट हो रहा है, एकदम अलग अलग हो गया, तो है ना दोस्तों, बहुत बढ़िया। अच्छा, प्रॉब्लम क्या आती है कि कई बारी उपमा बच जाता है। वैसे बचना मुश्किल है ऐसे अगर आप बनाओगे, पर कई बारी बच जाता है। आप फ्रिज में रख देते हो और आप सोचते हो मैं शाम को खा लूंगा या बाद में खा लूंगा, तो उसको गर्म कैसे करें, रीहीट कैसे करें कि बिल्कुल फ्रेश उपमा का फ्लेवर आए। अब पैन में थोड़ा सा पानी डालना, पानी को पहले अच्छे से गर्म होने देना और पानी ज्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना, थोड़ा सा ही पानी डालना है, गर्म हो जाए फिर अब सारा उपमा डाल देना और इसके ऊपर से थोड़ी सी बूंद ऐसे पानी की छिड़क देना। गैस को आप एकदम लो फ्लेम पर कर देना, एकदम लो फ्लेम पर, और इसको ढक कर थोड़ी देर तक छोड़ देना, मतलब 3 से 4 मिनट इसको छोड़ देना आराम से, कि इसमें स्टीम बने और जो सूजी का एक एक दाना है ना वो हल्का सा नरम हो जाए। बस अब जब ढक्कन खोलोगे तो आपने सारे उपमा को मैश कर देना है, ताकि जो ये थोड़ा सा चिपक गया है वो भी अलग अलग हो जाए, अच्छे से गर्म हो जाए। आप चाहो तो आप माइक्रोवेव में भी रीहीट कर सकते हो। आप पहले थोड़ा सा पानी लेके ऐसे छिड़क देना और फिर इसको 30 सेकेंड्स घुमाना और फिर निकाल कर थोड़ा सा पानी और आपने छिड़कना है और फिर 1 से 1.5 मिनट उसको अच्छे से चला लेना और मिक्स कर देना और उपमा एकदम सही से गर्म हो जाएगा। अच्छे से मैश करने के बाद आप फिर से इसको 1 मिनट के लिए ढक देना, ताकि हीट जो है बहुत इवनली सारी तरफ गर्म कर दे, और अब टाइम हो गया इसको सर्व करने का। है ना दोस्तों, बहुत बढ़िया। आप ऐसे उपमा बना कर देखना, रेस्टोरेंट क्या, आप हर जगह को फेल कर दोगे।